आपको यहाँ पर आता है, अब ये लूप शुरू करता है, आई इज इक्वल टू जीरो और जीरो और आई इज लेस देन अरे साइज, तो हर एक हर वैल्यू पे जा रहा है, यहाँ पर आता है, यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर आके ये उमर यहाँ पर आता है, यहाँ पर आके ये आई को प्रिंट करता है, ठीक है। इसमें अगर तुम देखो तो ये मुझे बताते जाएंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले वो सात वेट लगता है और फिर आई प्रिंट करता है, विच मीन्स यहाँ पे छह दफा स्पेस रहेगी और फिर जीरो है और फिर 13 है, तो विच मीन्स अंदर वैल्यू क्या पड़ी है, 19 पड़ी है, तो क्योंकि 11 दफा स्पेस आएगी और फिर आएगा 19, फिर वो कहता है सेट डब्ल्यू कर दो 9, सेट डब्ल्यू 9 कर दो, लेकिन आउटपुट कुछ नहीं किया, इसका मतलब है जो इसके बाद आउटपुट होने जो कि ये है उसमें से भी पहले वाले की वो विड्थ उसने पहले सेट कर दी है जो कि 9 है, तो यानी कि ये जो स्टार प्रिंट होने जा रहे हैं उसमें से पहले स्टार की विड्थ जो है वो 9 है, तो इट मींस जो पहला स्टार है वो 8 स्पेसेस के बाद आएगा और फिर स्टार और फिर स्टार फिर स्टार फिर स्टार, और ये अब अगर आप ठीक है, ये प्लीज ये आप इस प्रोग्राम को एक बार अच्छी तरह से गायरन कर लीजिए, ठीक है। चले जी, ये प्रोग्राम भी तुझे पढ़ के बताया कि ये प्रोग्राम क्या है, आराम से पढ़ के बता, खुद पढ़ती है, प्लीज प्लीज आ जाए, प्लीज प्लीज आ जाए, और टाइम जीरो
ये कहते हैं कि ये प्रोग्राम हमने पहले नहीं देखा ये प्रोग्राम भी एग्जैक्टली वही काम कर रहा है जो कि आपका हमने डाइस को चेक नहीं किया था कि वो बायस ये एग्जैक्टली वो काम कर रहा है लेकिन है कहाँ कैसे रहा है उसमें हमने कितने स्विचेस लगाए थे एंड सो ऑन यहाँ पर ये पहले फ्रीक्वेंसी की रे बनाता है कितने साइज की 7 साइज की और उसको जीरो से इनिशियलाइज करते हैं ये की इनिशियलाइज ठीक है उसके बाद ये क्या करता है कि यहाँ पर आया 6000 टाइम रोल किया और आगे जितने भी स्विचेस लगे हुए थे ना उसको देखो एक लाइन से रिप्लेस करते कैसे ये एक रैंडम नंबर जनरेट किया और वहां जाकर जो भी इसकी वैल्यू है उसमें प्लस प्लस कर दिया ये बहुत ही गंदा सिंटेक्स लिखा है इसका एसेंशियली मतलब ये है कि इस इंडेक्स में जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसमें प्लस इक्वल टू 1 का ये एक लाइन कन्वर्ट हो गई है उस पूरे स्विचेस में पूरे स्विच हमने इतने सारे लगाए थे ना 6 स्विचेस वो जब एक लाइन में कन्वर्ट हो ये बात समझ आई उसके बाद उसको प्रिंट कर देता एक लूप लगाता ये फ्रीक्वेंसी 1 है फ्रीक्वेंसी 2 है ये बात समझ आई ठीक है और आप एक और प्रिंट बनता है आने के जवाब में आपने जो बेटा पहले काम किया था कि जब मैक्स निकालना था 6 में से तो आप 6 वेरिएबल वाला फंक्शन लिखना ये एक ही वेरिएबल यदि अरे पास होगी उसमें वो एक लूप लगाएगा और जाके वैल्यू निकालेगा मैक्स पहली वैल्यू को मैक्स करेगा वन से इंडेक्स स्टार्ट करेगा और इस तरह मेन निकालना है जब निकालना है अरे का साइज 7 क्यों रखा है क्या जी बड़ी आंसर दिस रैंडम जो है वो 1 से लेकर 6 तक आएगा तो इसमें एक्चुअली जो भी वैल्यू आई है उसी को एज ए इंडेक्स के तौर पर यूज करते इसमें कैन यू टेल मी कि ये जीरो इंडेक्स है ये 6000 दफा चल जाएगा तो जीरो इंडेक्स पर क्या करनी पड़ेगी गांधी वैल्यू जीरो मतलब वो जीरो से इनिशियलाइज हां वो जीरो जीरो पड़ेगी उसमें जीरो करनी पड़ेगा बाकी सब पे क्या करनी पड़ेगी उसकी जो जितनी दफा है ठीक है ये सिर्फ और सिर्फ उसने कोड को क्लीन करने के लिए 7 दफा लिखी है सॉरी रोलिंग तो हम शुरू से सबसे बोल रहे हैं वो तो उसमें काउंट किया है कितना मैं रोल राइट चले जी ये एक और एग्जांपल है ब्यूटीफुल एग्जांपल लेट्स सी के ये आप क्या करते हैं आई विल गोइंग टू टेल यू इन अ वाइल कि ये प्रोग्राम एक बहुत बड़ा सिस्टम भी बना सकता है प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एक्चुअली मैं तो बात करूं ये एक प्रोग्राम हमारा एक्चुअली इलेक्शन सिस्टम को पूरा इंप्लीमेंट करता है इतना सुनो इसमें ट्राई टू अंडरस्टैंड ये प्रोग्राम क्या है ट्राई टू अंडरस्टैंड रिस्पांस वाला क्या है रिस्पांस एक्चुअली है कि वोट कास्ट हुआ और इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है ना वैल्यू वो बताती है कि मेरे रिस्पांस कितने टाइप के हो सकते हैं यानी वोट कितने टाइप के हो सकते हैं आपकी इलेक्शन 10 पार्टीज है तो 10 पार्टीज अगर हैं तो पहली पार्टी को मैंने 1 असाइन कर दिया दूसरी पार्टी को मैंने 2 असाइन कर दिया तीसरी को मैंने पार्टी को मैंने 3 असाइन कर दिया इस तरह मेरे पास 10 पार्टीज है टोटल वोट कास्ट करने वाले कितने लोग हैं जितने इस रिस्पॉन्सेज अरे का साइज है ये समझ में आई बात अब जब हमने इलेक्शन सिस्टम बनाना है तो एक्चुअली हर बंदे ने आके अपना रिस्पॉन्स दिया
वो रिस्पॉन्स क्या देता है, या वो वन देता है, या वो टू देता है, या वो थ्री देता है, या वो फोर देता है, या वो टेन देता है। मतलब क्या, 11 उसने इसलिए बनाया कि अगेन जीरो कोई नहीं है, तो उसने ताकि वो वैल्यू जितनी था। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना कि वो ये प्रोग्राम कर क्या, प्लीज लेट प्लीज लुक एट इट दिस दिस एग्जांपल टू ये प्रोग्राम कर क्या। चले जी चले बड़ा, ये इसने फ्रीक्वेंसी साइज के अरे बनाई, जीरो से इनिशियलाइज किया। ये इसने अरे ये एक लूप लगाया जो के जितने वोट कास्ट हुए ना उतने का इसने लूप लगाया रिस्पॉन्स साइज का। और रिस्पॉन्स अरे जो थी वो अरे थी जो कि उसने यहाँ पे साइन हुई, हर बंदे ने जो अपना वोट कास्ट किया। तो यहाँ पे बेटा वो करता क्या है, कि आंसर इज इक्वल टू जीरो से शुरू करता है और आंसर इज लेस देन रिस्पॉन्स साइज, विच मीन्स कितना हो जाएगा वो रिस्पॉन्स साइज 40 है, लेस देन 40 तक गया जाएगा, जीरो से लेकर 39। यहाँ पे आंसर प्लस प्लस कर देता है, यहाँ पे कहता है फ्रीक्वेंसी की अरे में किस इंडेक्स को जाके इंक्रीमेंट करना है, जो रिस्पॉन्सेज की अरे में जो आंसर नंबर जीरो है उसमें जो भी वैल्यू आई है उस इंडेक्स को जाके इंक्रीमेंट करती है। हाँ जी, पहले आप आराम से पहले हम इसको इनवैलिडेट करते हैं, रिस्पॉन्सेज की जो अरे है उसमें जीरो के इंडेक्स पे क्या पड़ा होता है, आप इस जगह वन रिप्लेस। वो कहता है फ्रीक्वेंसी की जो वन इंडेक्स है उसको जाके प्लस करना पड़ता है, आगे चलते लूप दोबारा चला, आंसर की वैल्यू वन हो गई। वो कहता है वन आंसर वन रिस्पॉन्सेस के अरे में आंसर वन इंडेक्स पे पड़ा हुआ, क्या पड़ा हुआ है टू, तो ये नहीं फ्रीक्वेंसी टू को जाके इंक्रीमेंट कर, फ्रीक्वेंसी टू को जाते हैं ये है वो इसको जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे जाता है वो कहता है जी आंसर की वैल्यू को टू कर दो, रिस्पॉन्सेस टू में क्या पड़ा हुआ है, रिस्पॉन्स टू में पड़ा हुआ है सिक्स, फ्रीक्वेंसी सिक्स को जाके इंक्रीमेंट कर, आगे चलते इसके बाद आता है फोर, फिर आंसर ये आएगा फोर फ्रीक्वेंसी फोर पे जाके इंक्रीमेंट करो, ऑलराइट। उसके बाद आता है एट, उसके बाद आता है फाइव, उसके बाद आता है नाइन। कैन यू टेल मी कि ये सिर्फ एक लाइन का ये कोड है, ये एक फॉर लूप है, ये जब लूप खत्म होगा तो फ्रीक्वेंसी वाली अरे में क्या होगा, कौन सी पार्टी को कितने वोट, सो ब्यूटीफुल। अब अगर आपने पूरा कंप्लीट सिस्टम बनाना कि कौन सी पार्टी जीती है तो आप इस फ्रीक्वेंसी वाली अरे में लूप लगाएंगे, जो मैक्सिमम है वो वाला उसका इंडेक्स आप आउटपुट कर दें, ये वाली पार्टी
जैसे
सर उसका पूरा वो उनका वो सिंपल सिंपल से पूरा उसका बना आप प्लेयर के या टर्म या टर्म में आपका वेरिएबल तो होगा ही होगा लेकिन आप एक काम करें एक करैक्टर अरे बना दो करैक्टर एक प्लेयर वन की स्ट्रिंग बना ले एक प्लेयर टू की स्ट्रिंग बना उसमें नाम प्रोग्राम के शुरू में पूछे जी पहले प्लेयर का नाम क्या है और वो सीन करवा दूसरे प्लेयर का नाम क्या है वो भी सीन करवा वो टर्न की जगह पे है जब टर्न की वैल्यू 1 होती है तो आप सी आउट करवा दें कि ये वाले प्लेयर की टर्न और या अगर जेंटल करा दे ये वाले प्लेयर की टर्न और जब मैच ओवर हो तो आप हमें सरप्राइज दीजिए ये जो कैरेक्टर अरे है आगे कुछ एग्जांपल है जिसमें वो कैरेक्टर अरे यूजर को एक फंक्शन को पास करता है आपको ये चीज पता है कि आपने पूरी चीज सारी गेम बनाई है कि जब आप कैरेक्टर अरे किसी फंक्शन में पास करते हैं तो वो पास बाय ये हुआ एग्जांपल का जो ये मैंने कर जा रहा ये आपको पढ़ेगा पढ़िए ठीक है प्लीज बात करें ये देखिए जी ये एक सॉर्टिंग का प्रोग्राम है सॉर्टिंग का पता नहीं क्या होता है आपने अरे को सॉर्ट करना ठीक है ये देखिए जी ये अरे को सॉर्टिंग करने का प्रोग्राम आपको याद है बबल बबल सॉर्टिंग के ये बिल्कुल वही प्रोग्राम है बस लेकिन ये दो नेस्टेड लूप से किया हमने तो बबल आप एक फंक्शन बनाया था जिसे पूरा ट्रैवर्सल करता था हाँ वो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड था इसमें ये एक पास का लूप लगा था बाहर वाला कितनी दफा मैंने ये बबल आप का काम कर ये अंदर वही काम कर रहा है कि साइज माइनस वन का लूप चलाया आई को जे को जे प्लस वन से कंपेयर किया और ये स्वैपिंग की तीन लाइन ये बस ना अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी है तो दूसरा ये वैल्यू से बड़ी है होल्ड एक वेरिएबल है जिसमें वो पहली स्वैप कैसे होता पहले आप एक वैल्यू से वेरिएबल स्टोर करते थे फिर आप दूसरे पे साइन करते थे फिर आप बोर्ड स्वैप को भी अलग से वो बनाया था हमने अलग बनाया था इसमें अलग बनाया ये मैंने कह रहा कि अगेन नाउ आई मीन अगर ट्राई टू अंडरस्टैंड हमने जिस तरीके से कोडिंग किया ना इस एग्जाम्पल इन सारी एग्जाम्पल्स को देखिए हमारा कोडिंग स्टाइल इससे आपके ये जो मॉड्यूलराइजेशन है जो किसका वो कितना कोड को क्लीन बना अच्छा बात सुनिए ये है आपका सॉर्टिंग वाला काम ये हमने हमने एक्चुअली दो तरीकों से किया था एक हमने बबल सॉर्टर एक सिलेक्शन सॉर्टर अच्छा ये ना एक केस स्टडी है जिसमें ये आप खुद पढ़िएगा एक है मीन मीडियन और मोड मीन बड़ा सवाल है मीन क्या होता है डिवाइडेड बाय 2 कितनी वैल्यू अगर एंड वैल्यूज का मीन यानी एवरेज का मतलब है सब को सम करो डिवाइडेड बाय एंड सम आपने पहले निकाला था याद है उसी तरह का आपने एक लूप लगाना है टोटल में सम करना रिटर्न लेकिन रिटर्न टोटल करने से पहले डिवाइड बाय साइज है और मेक श्योर कि वो फ्लोटिंग में वैल्यू यानी डबल पे वैल्यू वरना होगा क्या कि वो फिर वो इंटीजर में वैल्यू आएगी तो वन पॉइंट दो से कम कर अच्छा ठीक है इसी तरह मीडियन है मीडियन क्या होता है मिडिल वैल्यू कैसे निकालेंगे आप पहले करें शॉर्ट और शॉर्ट करके अगर वो ऑड है अगर शॉर्ट करने के बाद अगर ऑड साइज आपको ऑड है तो जो डिवाइड बाय 2 पे पड़ा हुआ है वही आपका आंसर है अदरवाइज जो डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2 प्लस 1 पे पड़े हुए हैं उन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करते हैं ये आपका मीडियन हो जाएगा मोड क्या होता है कितनी दफा है फ्रीक्वेंसी मोड होता है आपको याद है हमने एक फंक्शन बनाया था फ्रीक्वेंसी का और पूरी अरे में से वो वाले फ्रीक्वेंसी का एलिमेंट निकालना जो कुछ ज्यादा ये केस स्टडी जिसमें तीनों एग्जाम्पल दी हुई है आई वुड सजेस्ट कि पहले आप उसको गो थ्रू करें और फिर आप आई मीन यू कैन इवन मेक इट बेटर हमने इससे बेहतर इंप्लीमेंट किया अच्छा ये मैं आप छोड़ रहा हूँ एक लास्ट एग्जाम्पल जो मैं बताना चाहता हूँ वो है ये है बाइंड सर्च
आपको याद है हमने सर्च का एक फंक्शन लिखा था कि आपने अरे दिया को आप बताएं ये वैल्यू किस इंडेक्स पे, आप कंपेयर करते जाते हैं, अगर वो किसी इंडेक्स पे आती है वो वाला इंडेक्स डम कर देते हैं, और अगर बाहर आ गए तो आप रिटर्न माइनस वन, यानी आपको नहीं मिली वो, ये बात समझ। ये है लीनियर सर्च कि अगर आपको बहुत बड़ी अरे मिली हुई और आपने फिर एलिमेंट सर्च करना हो तो आपको पूरी ट्रेवर्स करनी है ना। आपका डेटा है फॉर एग्जाम्पल 1 टेराबाइट का, ठीक है, 1 टेराबाइट का डेटा कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल के जो जी आई एस वाले सिस्टम होते हैं उसमें डेटा टेराबाइट्स का उससे भी ऊपर ग्लोबल इंफॉर्मेशन जियोग्राफिकल, ठीक है, इसमें तो डेटा बहुत ही क्या, या फेसबुक का डेटा देख लो इतना डेटा फ्री होता है वो, तो हमें पता नहीं कितने गीगा बाइट्स जो है वो पर सेकंड के हिसाब से। अच्छा आप बात, आप मुझे बताएं बात कि अगर आपने बेटा एक वैल्यू सर्च करना है तो ये वैल्यू कहाँ पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरा मैंने फलानी आईडी सर्च कर फेसबुक पर कितने फोटोज पड़ी हुई है, मैं कहता हूँ फलानी फोटो मैंने सर्च कर, अब वो टेरा बाइट का डेटा है, उस टेरा बाइट के डेटा में वो फलानी फोटो कैसे सर्च कर, तुम्हारे ख्याल में वो ये लीनियर सर्च नहीं करता नहीं। अगर वो ऐसे सर्च करने लगे तो उसको तो साल लग जाएगा, उसको सिर्फ वो तस्वीर को सर्च करने में साल लग जाएगा। आप बड़ी मजा पाओ, एक्चुअली फेसबुक या गूगल ये सारी चीजें क्या करते हैं, ये एक्चुअली डेटा को सॉर्ट करके रखते हैं। सॉर्ट करके रखने से होता क्या है, आपको याद है हमने पहली बारी गेसिंग गेम की थी, गेसिंग गेम में क्या करते थे हम, मैंने हाफ करते थे फिर हाफ करते थे, तो एक्चुअली उन्होंने डेटा का उन्होंने किसी तरह से उसको सॉर्ट करके रखा होता है, और जब आप कोई वैल्यू सर्च करने को कहते हैं तो सबसे पहले वो सॉर्टेड डेटा हमें उसके मिडिल इंडेक्स में जाता है, और वो उसे बताता है कि मैंने उसके इस साइड पे सर्च करना है या इस साइड पे सर्च करना है, ठीक है, और फिर वो इसके इस हाफ में आता है, फिर वो इसके हिसाब में आता, वही टेराबाइट का डेटा जिसको सर्च अगर आप लीनियरली करने लगे तो आपके पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे, वो इवन माइक्रोसेकंड में सर्च करेगा, ये सारे, ठीक है, ये जो बाइनरी सर्च है ना, ये जो बाइनरी सर्च है, ये बाइनरी सर्च एक्चुअली यही एग्जांपल है, ये लीनियर सर्च की एग्जांपल है, ये बाइनरी सर्च, ठीक है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक्चुअली क्या करता है, ये देखें, ये देखिए इसमें बेटा, ये बेटा अरे मिली हुई है और ये वैल्यू जो मैंने सर्च कर ली है, ये इसका लोअर इंडेक्स है, ये इसका हायर इंडेक्स है, और ये इसका टोटल साइज, ये करता क्या है, ये इसमें ग्रुप लगाया लोअर इज लेस देन हायर, ये एक वजह बाद पता लगेगा, ये करता क्या है कि ये सबसे पहले उसका मिडिल इंडेक्स कंप्यूट करता है, और फिर वो मिडिल इंडेक्स को चेक करता है क्या वो उसके बराबर है, अगर उसके बराबर है तो यही इंडेक्स रिटर्न कर दो, यही मेरा आंसर, अगर ये नहीं होता तो फिर वो कहता है यार आप बताओ कि क्या ये सर्च वैल्यू जो थी वो मिडिल से कम थी, अगर कम थी तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप ये इस अरे में ये वाली वैल्यू जो वैल्यू सर्च कर रही थी उससे बड़ी है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डेटा इधर नहीं लाए, तो वो हाई को उसी की हमने प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन भी कर ली, तो किस तरह आप बहुत एफिशिएंटली जो है वो कंप्यूटेशन कर सकते हैं। जी आ,